स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा वोल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आप लोग की बीएससी की जो रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। देखो, जैसे ही आप लोग बैच में ऐड होंगे वहां पर आप लोगों को बीएससी की रेगुलर क्लास मिल जाएगी, कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए, सभी स्टूडेंट हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम के प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। और जिन स्टूडेंटों ने अब तक किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वोल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो, वोल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंडों से एल्केनों को प्राप्त करते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंडों से हम एल्केनों को किस तरीका से प्राप्त करते हैं उसको हम रिएक्शन से समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म से समझेंगे। तो देखो, यहां पर मैं रिएक्शन किसकी करवा रहा हूं, कीटोन की करवा रहा हूं। कीटोन का पहले मेंबर को ले लूंगा मैं यहां पर। कीटोन का पहला मेंबर कौन होता है, एसीटोन होता है। जब मैं एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाऊंगा तो वहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। फिर उस हाइड्रोजन प्रोडक्ट को मैं 453 केल्विन टेम्परेचर दूंगा और वहां पर कैटलिस्ट दूंगा मैं सोडियम एथॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OHA। तब वो हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में, और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि वोल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हम कार्बोनाइल कंपाउंडों से एल्केनो को प्राप्त करते हैं। किस तरीका से प्राप्त करते हैं, रिएक्शन को आप लोग समझिए। तो देखो, यहां पर मैं कीटोन वाली रिएक्शन को आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं। कीटोन के मैं पहले सदस्य को ले रहा हूं, ठीक है ना। ये कौन हो गए आप लोगों का, कीटोन का पहला सदस्य कौन हो गया, एसीटोन हो गया। ये कौन हो गए आप लोगों का, एसीटोन, मैं लिख देता हूं। ये कौन हो गए आप लोगों का, एसीटोन, इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2-propanone, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, 2-propanone। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ। ये फॉर्मूला किसका होता है आप लोगों का, हाइड्रोजन का। ये आप लोगों का NH2 जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। मैं लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये आप लोगों का हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल किस तरीका से बाहर निकलेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर मैं एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 होता है। तो देखो, यहां पर एसीटोन मॉलिक्यूल्स का तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दो हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे। तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलेगा, हाइड्रोजन का। मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ये आप लोगों का कौन हो गया, CH3 हो गया। ये आप लोगों का CH3 हो गया। यहां पर लिख देता हूं मैं डबल बॉन्ड। यहां पर कौन हो गया आप लोगों का N, और यहां पर कौन हो गया आप लोगों का NH2, और यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। अभी ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है ना, ये प्रोडक्ट हम लोगों को हाइड्रोजन का मिला है। मैं लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन का हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, अगर मैं इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, कितने टेम्परेचर पर, 453 केल्विन टेम्परेचर पर, और कैटलिस्ट के रूप में यहां पर मैं सोडियम एथॉक्साइड को ले लेता हूं, ठीक है ना। सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5OHA, ठीक है ना। यहां पर कैटलिस्ट के रूप में मैं किसको ले रहा हूं, सोडियम एथॉक्साइड को ले रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OHA। तो ये हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। प्रोपेन में किस तरीका से कन्वर्ट होगा वो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। देखो,
ये दोनों हाइड्रोजन एटम है ना, ये किससे जुड़ जाएंगे, कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का CH3CH2CH3। और ये CH3CH2CH3 किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, तो प्रोपेन का तो मॉलिक्यूल हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। और ये जो आप लोगों की N2 गैस है, ये N2 गैस आप लोगों की बाहर निकल जाएगी। मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं, ये जो आप लोगों को हाइड्रोजन का प्रोडक्ट मिला है, अगर इस हाइड्रोजन के प्रोडक्ट को मैं 453 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर दूं और कैटलिस्ट के रूप में मैं C2H5ONO को ले लूं, मतलब सोडियम एथॉक्साइड को ले लूं, तो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन एटम निकलकर किससे जुड़ जाएंगे, इस कार्बन एटम से जुड़ जाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2CH3। और CH3CH2CH3 किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। यहां पर ले देता हूं, प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को क्या मिला है, प्रोपेन मिला है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिला है, एल्केन मिला है। और यहां से N2 का मॉलिक्यूल आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंडों की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट किसका मिलता है, हाइड्रोजन को मिलता है। और उस हाइड्रोजन के प्रोडक्ट को अगर मैं 453 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दूं और कैटलिस्ट के रूप में मैं C2H5ON को ले लूं, तो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट किसका मिलता है, एल्केनो का मिलता है, और N2 गैस आप लोगों की बाहर निकल जाती है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बोर्न-ब्यूकिस्नर अभिक्रिया हो गई आप लोगों की। अब मैं आप लोगों की इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों से रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी पूछा जाता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए बोर्न-ब्यूकिस्नर अपचयन अभिक्रिया की मैकेनिज्म को और बता देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसकी मैकेनिज्म समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, और इसकी मैकेनिज्म को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देख लो इसकी मैकेनिज्म को, देख लो आप लोग, तो देखो अब इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं, मतलब इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। मैं एक एक स्टेप को आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, जैसे मेरी मैकेनिज्म खत्म होगी वैसे ही आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इधर देखिए, यहां पर मैं एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो जैसे ही मैं एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ करवाऊंगा वैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। किस तरीके से जुड़ जाएंगे, बोर्ड की तरफ देखिए, देखो यहां पर मैं किसको ले रहा हूं, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं, यह फॉर्मूला किसका है, एसीटोन का, ठीक है ना, यह फॉर्मूला किसका है, एसीटोन का, और इसकी रिएक्शन मैं किससे साथ करवा रहा हूं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। ये जो आप लोगों का NH2 फॉर्मूला है, ये किसका है, आप लोगों का हाइड्रोजन का। तो देखो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का यहां से बाहर निकल जाएगा और दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, ये कार्बन से मैंने किसको लिख दिया, दोनों CH3 को लिख दिया, यहां पर आप लोगों को कौन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर आप लोगों को नाइट्रोजन हो गया और ये आप लोगों का NH2 हो गया। तो देखो इस नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन एटमों को मैंने आप लोगों के सामने खोलकर शो कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों का ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो देखो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम से यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन एटम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन एटम की तरफ। तो देखो मैकेनिज्म का जो आप लोगों का अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन H+ लेकर बाहर हो गया, ठीक है ना, और इस नाइट्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, यहां पर लिख दिया मैंने CH3, ठीक है ना, यहां पर मैंने CH3 लिख दिया, यहां पर डबल बॉन्ड N लिख दिया, ठीक है ना, और यहां पर इस नाइट्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन
के पास में जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव यहां पर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतलब इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर नेगेटिव के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो यहां पर आप लोगों को बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही फिर आप लोगों का ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैकेनिज्म की जो अगला स्टेप बनेगा उसकी क्या कंडीशन होगी, बोर्ड की तरफ देखिए, देखो ये नाइट्रोजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाएगी, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी नहीं होती, नाइट्रोजन की तो 3 वैलेंसी होती है, तो उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड को कार्बन अपनी साइड कर लेता है, ठीक है ना, मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ, तो इस कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो देखो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो कार्बन एटम पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, दोनों नाइट्रोजनों के बीच में, तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को मिलेगा, वो अगला स्टेप हम लोगों को यह मिलेगा, इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आएगा, या नेगेटिव चार्ज आएगा, ये मैंने CH3 को शो कर दिया, ये मैंने इस CH3 को शो कर दिया, ठीक है ना, इससे आप लोगों को नाइट्रोजन, और यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये मैकेनिज्म का हम लोगों को ये जो स्टेप मिला है इसमें मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देता हूं, मतलब मैं इसमें H2 को डाल देता हूं, तो आप लोगों को पता है कि वाटर किसमें टूटता है, H+ में और OH- में, तो वाटर का जो H+ है ना वो किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन के माइनस से, तो मैकेनिज्म का जो हम लोगों को अगला स्टेप मिलेगा वो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा, ध्यान से समझना, यहां पर मैं क्या करता हूं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स इसमें टूटता है H+ में और OH- में, तो ये वाटर का जो H+ है ना ये किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन के माइनस से, तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा, मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा, इस कार्बन से मैंने किसको जोड़ दिया, इस हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया, यहां पर N डबल बॉन्ड N और ये कौन हो गया आप लोगों का H। अब देखो ध्यान से समझना, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा आप लोगों का, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ, तो ये जो आप लोगों का H+ है ना ये इस OH- से जुड़कर यहां से आप लोगों का H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन एटम की तरफ, तो नाइट्रोजन एटम पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो आप लोगों का H+ निकला है ये इस OH- से रिएक्शन करके क्या बाहर, किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, H2 के मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को मिला है वो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिला है, ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर मैंने कार्बन को लिख दिया, यहां पर मैंने CH3 को लिख दिया, यहां पर मैंने CH3 को लिख दिया, ठीक है ना, ये मैंने किसको शो कर दिया, हाइड्रोजन एटम को शो कर दिया, ठीक है ना, और यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी आप लोगों की, यहां पर दोनों नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट हो गया, डबल बॉन्ड जनरेट, और इस नाइट्रोजन के पास में आप लोगों का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये नाइट्रोजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज आया है ना ये यहां पर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतलब इस नेगेटिव के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे वैसे ही आप लोगों का ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ठीक है ना, तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो आप लोगों का अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, मैं शो कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार फिर से बता देता हूं, इस नाइट्रोजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हम जानते हैं कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव है ना इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर आप लोगों को पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, 4 बैलेंसी हो जाएगी,
क्योंकि नाइट्रोजन की इस वक्त कितनी बैलेंस, इस नाइट्रोजन की इस वक्त कितनी बैलेंसी है, 3 बैलेंसी है। और अगर नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, 4। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की 4 बैलेंसी नहीं होती, नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी होती है, 3 बैलेंसी होती है। तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के पास में वापस से फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का जो आप लोगों को अगला स्टेप मिला है, वो अगला स्टेप आप लोगों को ये मिला है, ध्यान से समझना। यहां से तो आप लोगों का N2 का मॉलिक्यूल आप लोगों का बाहर निकल गया और मैकेनिज्म का अगला स्टेप आप लोगों को ये मिला है, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म का आप लोगों को अगला स्टेप मिला है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम को शो कर दिया और इस कार्बन पर वापस से फिर से कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये N2 का मॉलिक्यूल आप लोगों का बाहर निकल गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो मैकेनिज्म का हम लोगों को ये स्टेप मिला है, इसमें वापस से फिर मैं H2 के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहा हूं, मतलब वापस से मैं इसमें H2O डाल रहा हूं। तो देखो जो मैकेनिज्म का अगला स्टेप बनेगा, वो अगला स्टेप हम लोगों को ये बनेगा, इसमें मैं किसको ऐड कर रहा हूं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहा हूं। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स किसमें टूटता है, एच प्लस में और ओ एच माइनस में। तो यहां पर मैंने प्लस लिख दिया और इस ओ एच पर मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया, माइनस चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वाटर का ये जो एच प्लस है ना, ये कार्बन के माइनस से जुड़ जाएगा और जैसे ही एच प्लस कार्बन के माइनस से जुड़ेगा, गौर से देखिए वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, प्रोपेन का बन जाएगा, CH3CH2CH3। और यही तो हम चाह रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलना चाहिए, प्रोपेन का। तो इधर देखिए, यहां पर इस H+ को मैं किससे जोड़ देता हूं, इस कार्बन से जोड़ देता हूं, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को ये मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन शो कर दिया, ये H+ आप लोगों का यहां पर जुड़ गया, यहां पर CH3 आप लोगों को पहले से जुड़ा हुआ है, ये CH3 आप लोगों का ये जुड़ा हुआ ही है, और इसका नाम कौन है आप लोगों का, प्रोपेन है। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनों का मेंबर होता है, ठीक है ना। प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनों का मेंबर होता है। और क्षार आप लोगों को कौन बाहर निकल गया, OH- आप लोगों को क्षार बाहर निकल गया। पहले तो ये बात बताओ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के इसके मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को बता देता हूं। वोल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि एसीटोन की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, हाइड्रोजन के साथ करवाई थी, ठीक है ना। तो वहां से वाटर का मॉलिक्यूल हम लोगों का बाहर निकला और हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में कौन मिला, हाइड्रोजन मिला। उस हाइड्रोजन का जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला, उसको हमने 453 केल्विन टेंपरेचर पर हीट कर दिया और कैटलिस्ट के रूप में हम लोगों ने क्या ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, मतलब C2H5ONa ले लिया, ठीक है ना। तो वहां से आप लोगों का N2 का मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, प्रोपेन का। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनों का मेंबर होता है। इसका मतलब ये निकला कि वोल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हम कार्बोनिल कंपाउंडों से किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्केनों का फॉर्मेशन करते हैं। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बता देता हूं। तो मैकेनिज्म को देखिए, देखो यहां पर मैंने एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लिया और इस एसीटोन के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ करवा दी। तो देखो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल जाएगा, मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर आप लोगों का ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ। तो इस नाइट्रोजन एटम पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां से आप लोगों को हाइड्रोजन H+ लेकर बाहर निकल जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इस नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, 4। भाई ये नाइट्रोजन 3 बैलेंसी तो पहले से ही कर रहा है, और यदि नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो नाइट्रोजन की 4 बैलेंसी हो जाएगी। और नाइट्रोजन की 4 बैलेंसी नहीं होती, नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म का
पहला स्टेप हम लोगों को ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पर तो आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल गया। अब इस स्टेप के अंदर मैं वाटर को डाल देता हूं, मतलब H2 को डाल देता हूं। तो वाटर का जो H+ है ना वो कार्बन के किससे जुड़ जाएगा, इस माइनस से जुड़ जाएगा। ये वाटर का जो H+ है ना वो कार्बन के किससे जुड़ जाएगा, माइनस से जुड़ जाएगा। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल जाएगा। अब इस स्टेप के अंदर क्या होगा, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा। तो कंडीशन आप लोगों की भाई होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ। तो इस नाइट्रोजन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन जो H+ लेकर निकला है ये किससे जुड़ जाएगा, OH- से। तो H2 का मॉलिक्यूल यहां से आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन का वो नेगेटिव क्या करेगा, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा दोनों नाइट्रोजनों के बीच में। तो देखिए ये नाइट्रोजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर दोनों नाइट्रोजनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर वापस से आप लोगों का ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ। तो इस कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से आप लोगों का एन टू का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, यहां से आप लोगों का एन टू का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगली कंडीशन आप लोगों की ये हो गई, यहां से आप लोगों का क्या हुआ, एन टू का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का यहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो अगली कंडीशन आप लोगों की क्या होगी कि मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में वही होता है आप लोगों का H+ और OH-। तो वाटर का जो H+ है ना वो कार्बन के माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही वाटर का H+ इस कार्बन के माइनस से जुड़ेगा तो गौर से देखिए फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2CH3। और ये CH3CH2CH3 किस किस का फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। और ये आप लोगों का OH- क्षार है, तो क्षार आप लोगों का बाहर निकल गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों की ये वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि थी, ये क्रियाविधि भी आप लोगों की कंप्लीट होती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया को बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया, साथ के साथ ही उसकी मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दी, ठीक है स्टूडेंट। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।